अरे ये क्या, आज फुकरो कोजी ने। बेचारा फुकरो कोजी कहीं बीमार तो नहीं हो गया? 3 दिन से स्कूल नहीं आया। वो कभी ऐसा नहीं करता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे गलती की सजा मिली है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा मजाक उड़ाया, उसे इसी की सजा मिली है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ओके, तो फिर ट्रीट दो, सूप चलेगा। तो चलो हम उसे देखने के बहाने जाते हैं, वहीं हमें खाना मिल जाएगा। ये अच्छा आइडिया है। अरे चामा, घटिया बातें मत करो, रुको तो सही। फुकरो कोजी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर्दी खांसी हो गई है। तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया, बहुत खा लिया। तुम्हारे नाखून तो बहुत बड़े हैं, जल्दी कटवा लो। उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? जाओ जाकर डेंटिस्ट को दिखाओ। ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्रूट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी पूंछ भी काफी लंबी है, इसे भी कटवा लो। तुम लोग जाओ यहाँ से। बेचारा तकलीफ में है, बहुत दर्द हो रहा होगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लेता हूँ। ये तो बनाना है, मैं खाऊंगा। शायद उसे कोई सीरियस बीमारी हुई है। कुछ ज्यादा ही सीरियस बीमारी है। पहले से ही उसका दिमाग खराब था, अब तो उसकी पूंछ में भी गड़बड़ है। फुकरो कोजी, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें देखने चले आए। मंगवाओ यार, कुछ खिलाओ। हाँ। अरे जानवर जैसी बदबू आ रही है इससे। फुकरो कोजी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या हुआ? फुकरो कोजी बेटा, तुम्हारा खाना आ गया। आजकल इसके आगे कुछ भी डालो ये खा लेता है। मेरा बेटा देखो, खा खा कर कितना मोटा हो गया है। देख लिया, अब जाओ यहाँ से। बहुत खाना खाता है, कहीं वो हमें ना खा जाए। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। चामा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, डरे मेरे दुश्मन। मैं तुम्हारी चालबाजी के चक्कर में बार बार नहीं फंसूंगा। चामा, थैंक यू, तुम ही मेरे असली दोस्त हो, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ जरूर करूँगा, जल्दी चलो। तुमने बीमारी का ढोंग किया और सोते रहे, इसीलिए इतने मोटे हो गए हो। चलो चलो, रुको मत, 5 बार और करो। मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। ये क्या, मेरी फेवरेट कुकीज खा ली, पूरा का पूरा बॉक्स सफा चट कर दिया। ऐसे खाते रहोगे तो मॉन्स्टर बन जाओगे। मॉन्स्टर? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हिम्मी, रुको रुको, अब क्या तुम अपने दोस्त को भी खा जाओगे? सॉरी, मैं क्या करूँ नहीं समझ रहा, मैं आदमी नहीं जानवर बन गया हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? श्यामा, बात ये है, आसमान से एक एलियन टपका और मेरी बॉडी के अंदर घुस गया। क्या कहा, एलियन? हाँ। अंदर कैदी फुक्रोरोरियन एलियन आया और मेरी बॉडी में घुस गया। उसने मेरी बॉडी को हाईजैक कर लिया। श्यामा, क्या बात है? चामा, आगे कभी मैं अपने इंसानी दिमाग की बात भूल जाऊं और मैं गुंडागर्दी करूं, मार पीट पर उतर जाऊं, तो तुम मुझे मारना, मुझे सजा देना। फुकरो कोजी, प्लीज मना मत करना। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, सरकारी स्कूल के मैदान में हादसा हो गया है। ये हादसा वहाँ पर लगे एक मेले में। श्यामा, बाहर आओ ना, हम दोनों खेलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो फुकरो कोजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे बहुत काम है। ऐसा मत कहो, पर तुमने सही कहा, इस भेस में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। पहले तुम इन्हें बचाओ और फिर ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे।
इतनी भीड़ के सामने इस भेस में जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं, वो तुम पर नहीं हंसेंगे, तुम्हें जाना होगा फुकरो कोजी। अरे वाह, यहाँ से नजारा तो बहुत ही अच्छा है। यही वो जगह है जहाँ जायंट व्हील का हादसा हुआ था। उस हादसे को हुए एक घंटा बीत चुका है और मैं बता दूं कि अभी भी कुछ लोग उस जायंट व्हील के अंदर फंसे हुए हैं। ये डायनासोर है, अचानक ये विशाल डायनासोर यहाँ कैसे आ गया? नहीं, तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ। ये फुकुरु कोजी है, चामा भी उसके साथ है। पर ये तो कितना बड़ा हो गया है। वो असली डायनासोर जैसा दिख रहा है। अरे ये तो सामाई और हमारे बाकी दोस्त हैं। तुम सब हमें छोड़कर यहाँ खेलने चले आए?